तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर जो लूप का अपकमिंग एयर ड्रॉप है ना उसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए बिल्कुल सेपरेट, ठीक है। तो उसी बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें आपको लाइव करके दिखाऊंगा कैसे आप उनके उस प्रोग्राम में जो कि अपकमिंग एयर ड्रॉप है अभी 21 तारीख तक हो जाएगा, उसमें आपको कैसे लिक्विडिटी प्रोवाइड करा के और उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 डॉट पे आप क्लिक करोगे, देखो वॉलेट को तो आपको कनेक्ट करना होगा, ये तो आपको भी पता होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जब 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन पूल्स का, ठीक है। पूल्स पे एक बार क्लिक कर देना और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में जब आप ऊपर इसको स्वैप करोगे तो यहाँ पे आपके सामने फार्म का ऑप्शन दिखेगा और फार्म के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आपके सामने क्या लिखा है, फार्मिंग फ्रॉम द 7th मतलब 7 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक अनुन कोई भी बंदा अगर यहाँ पे एड्स लिक्विडिटी मतलब लूप डेक्स अगर इस डेक्स में लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है तो उसको यहाँ पे मतलब टोटल प्राइज पूल रखा गया है 10 लाख लूप्स का, 1 मिलियन लूप्स टोकन का, ठीक है। बेस्ड ऑन मतलब उसकी डिपेंड करेगा आपने कितनी लिक्विडिटी ऐड की है, ठीक है। और यहाँ पे फुल फार्मिंग, ठीक है। फार्मिंग करेंगे कैसे, कॉन्ट्रैक्ट विल बी लाइव आफ्टर दिस इनिटल पीरियड हैज एंडेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है योर रिवार्ड विल बी एयर ड्रॉपेड टू यू वंस द न्यू फार्मिंग फंक्शनैलिटी इज लाइव, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है इफ़ यू वांट टू गेट रिवार्डेड फॉर लिक्विड प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, ठीक है, लूप्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इनेबल ऑटो फार्मिंग, तो यहाँ पे ऑलरेडी इनेबल है। अब हमें क्या करना है, तो अब ये पूरा प्रोसेस कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 3 डॉट पे क्लिक करना है, अब आपको करना है यहाँ पे पूल्स पे क्लिक, ठीक है। पूल्स पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे नया विंडो ओपन हो जाएगा, देखो कुछ थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि वेबसाइट पे लोडिंग है। एंड यहाँ पे अब देखो आपको क्या करना पड़ता है, मतलब आपके पास दोनों चीज़ें 50-50% होने चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अभी कितना यहाँ पे अमाउंट है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे USD 2 है और यहाँ पे लूप का अमाउंट है वो मेरे पास 1 है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 लूप सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने मैक्सिमम कर देता हूँ लूप पे। एंड यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे USD सिलेक्ट करूँगा, ये देखो नीचे USD आ गया, इस पर मैं क्लिक करूँगा एक बार, ये मैंने किया क्लिक। अब ये क्या काम करेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ से इसके मतलब एक लूप में जितने भी USD बनेगा ऑटोमेटिकली यहाँ से डिटेक्ट कर लेगा। अब इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करोगे तो यहाँ पे प्रोवाइड का ऑप्शन आ जाएगा। अब प्रोवाइड के ऑप्शन पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो मेरा टेरा का वॉलेट है उस पर एक कमांड्स जाएगी ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको, मैंने पेयर तो देखो दोनों सिलेक्ट कर लिए हैं, इनको सबसे पहले पेयर को बनाना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोवाइड पे क्लिक करूँगा, प्रोवाइड पे क्लिक किया मैंने और उसके बाद देखो ऑटोमेटिकली यहाँ से ये बैक हो गया। मतलब कीवी ब्राउज़र में यही प्रॉब्लम होती है, तो आप घबराना मत, आप जाना अपने कीवी ब्राउज़र में जाके एक बार वॉलेट पे चले जाना। जब आप वॉलेट पे जाओगे ना तो ये देखो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रहा है, देखो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, जो मेरे सामने होगा वो ही आपके सामने होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने ऊपर करना है इसको, ठीक है, इस प्रकार से आएगा। और यहाँ पे जो डेनी लिखा है ना यहाँ पे पासवर्ड डाल देना, पासवर्ड डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे ट्रांजैक्शन यहाँ से सक्सेसफुल होते ही आपकी वहाँ पे पेयर बन जाएगा। उसके बाद अपने आप अपने उसी प्रोवाइड वाले ऑप्शन पे आ जाना जहाँ पे आपने पूल्स पे क्लिक करके लिक्विडिटी प्रोवाइड की होगी। अब देखो हमने 2 पेयर सिलेक्ट किए थे, उसके बाद हमें पेयर मतलब लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के बाद क्या मिलता है, LP टोकन। तो यहाँ पे हमने 1:1 की यहाँ पे की थी, देखो सिर्फ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे 200, 300, 400, 500 अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको ओनली ट्राई करके दिखाया है 1 से, तो यहाँ पे आपकी LP टोकन जो कि मेरा यहाँ पे रिसीव्ड हुआ है 0.94 LP टोकन, ठीक है। तो इस LP टोकन को जैसे कि और प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, इस LP को स्टेक करना पड़ता है, मगर यहाँ पे जब आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे जो ये छोटा सा 3 डॉट शो हो रहा है ना यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ पे क्लिक का ऑप्शन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस देखेंगे, यहाँ पे प्रोवाइड विड्रॉल फार्म, मतलब अब हमने लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी है, हम करेंगे यहाँ पे
फार्मिंग, तो हम एक बार फार्मिंग पे क्लिक कर देंगे, जिसमें अभी उन लोगों ने क्या कहा था, ऑटोमेटिकली फार्मिंग का आपका ऑप्शन ये वाला इनेबल होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। मतलब इस प्रकार से देखो, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये बंद नहीं होना चाहिए, ऑटोमेटिकली ऑन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा है ये हमारा ऑन है। अब फिर से हम यहाँ पे अपने पूल्स पे चले जाते हैं, हमारा काम हो गया। बस अब दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको विड्रॉल करना होगा तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे एक बार थ्री डॉट पे क्लिक करना। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन आ जाएगा। अब विड्रॉल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, जो भी आपके एलपी टोकन होंगे यहाँ पे शो होते होंगे, और विड्रॉल के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक बार क्लिक करना पड़ेगा, जो सिलेक्ट का ऑप्शन है, सिलेक्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका क्या है, तो यहाँ पे जिसमें भी आपकी लिक्विडिटी ऐड होगी यहाँ पे आ जाएगा, लूप यूएसटी में हमने की है। तो एक बार जब हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सामने कितना आ गया मेरा 0.9 एलपी टोकन आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम पे क्लिक करूँगा तो देखो ये यहाँ पे क्या बोलता है, देखो ये बोल रहा है यहाँ का मतलब आपका लेस, मतलब एक एलपी टोकन से कम अमाउंट का होगा तो यहाँ पे आपका विड्रॉल नहीं होगा। मतलब मैंने सिर्फ एग्जांपल किया है, मैं तो यहाँ पे 200-300 डॉलर से करने वाला हूँ, तो आप यहाँ पे 5, 10, 20 मतलब 2 से नीचे तो करना ही मत, नहीं तो आपका विड्रॉल नहीं होगा एलपी टोकन। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे और लिक्विडिटी ऐड करनी पड़ेगी, उसके बाद विड्रॉल हो जाएगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे अगर एक से कम कर दिया विड्रॉल नहीं होगा, आपको इसको निकालने के लिए और लिक्विडिटी ऐड करनी पड़ेगी, और उसके बाद यहाँ पे आप कर देना यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक। फिर जैसे कि आपका एंड बैकग्राउंड की नॉइस के लिए सॉरी गाइस, आप सभी लोगों को पता है मैं रेंट पे रहता हूँ, फैमिली है, बच्चे हैं, तो ये थोड़ा सा नॉइस आती रहती है, उसके लिए सॉरी। ओके, तो यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक करके आपका यूएसटी और लूप आ जाएगा, और अपने लूप को चाहे यूएसटी में कन्वर्ट करो, चाहे ब्रिज के थ्रू अपने ट्रस्ट वॉलेट में ले लो। ओके, बस इतना ही सा था, और इसके लिए आप 21 तारीख तक एलिजिबल हो जाओगे 10 लाख लूप्स टोकन में पार्टिसिपेट करने के लिए। डिपेंड करेगा आपने कितना अमाउंट की लिक्विडिटी ऐड की है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे अमाउंट मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट के लिए कैसे आपको क्लेम करना है, आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।